तो भाई आ गए हैं हम अपना पेपर पेंसिल लेकर। अब हमें क्या करना है कि हमें हमारी एक्सरसाइज है 14.6 और पहला हमारा क्वेश्चन है कि 75 अंश माप वाले कोण पी ओ क्यू की रचना कीजिए और इसको सममित अक्ष खींचिए। मतलब इसे हमें सममित अक्ष का मतलब मैंने कल आपको बताया था वो होता है कि इसका अर्धक करना है। तो क्या करना है हमें 75 अंश का कोण बनाना है। तो वो हमारा कैसे बनेगा, देखो चाहे तो आप चांदे से बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो तो, अगर बनाना सीखना चाहते हो तो आप प्रकार से भी बना सकते हो। कैसे, आपने को 90 अंश का कोण बनाना मैंने सिखाया था ना, वैसे ही बनेगा कुछ। क्या करेंगे हमने एक इस तरीके से क्या किया, एक चाप लगाया। अब ये जो पॉइंट हमको मिला है यहाँ पे हम एक चाप लगाएंगे और यहाँ पे प्रकार रखकर दूसरा चाप लगाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे 90 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे 90 अंश का कोण बनाएंगे, ये हमारा जो है वो क्या बन गया है 90 अंश का कोण बना है। अब हमें इसको डॉट से करना है, ठीक है। अब ये जो हमारा ये वाला जो एंगल होता है वो हमारा 60 अंश का होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको भी डॉट डॉट से मिलाते हुए चलेंगे, इस तरीके से डॉट डॉट से मिलाते हुए चलेंगे। ये हमने किया। अब हमको क्या करना है, अपना चांदा लेना है, सॉरी प्रकार लेना है। यहाँ पे रखा, ये हमने चाप को बढ़ाया, यहाँ पे रखा, इसको हमने बढ़ाया, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने चाप लगाया है अब हम इसको मिला देंगे, ठीक है, इस कट पॉइंट को मिलाते हुए चलेंगे। अब ये जो एंगल बना है हमारा क्या बना है, 75 अंश का कोण बना है, ठीक है। ये हमारा 75 अंश का कोण हुआ। अब हमें क्या करना है, इसका भी सममित अक्ष खींचना है, मतलब इसका अर्धक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया यहाँ पे एक चाप लगाया, ठीक है, किसी भी एंगल का, बस जो हम बराबर चाप लगाएंगे वो हमारे चेंज नहीं होने चाहिए, मतलब इसकी दूरी जो है वो इधर उधर हिलनी नहीं चाहिए, सेम रहनी चाहिए, ठीक है। अब हमने ये कर दिया, अब हमें ये जो मिला है, ठीक है, इसको हम मिला देंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, सममित अक्ष हो गया। इस 75 अंश का जो हो गया है ये क्या हो गया, सममित अक्ष हो गया है, ठीक है, ये हम लिख देंगे, ठीक है। ये तो हो गई हमारे कौन से क्वेश्चन की बात, पहले क्वेश्चन की बात हो गई है। वैसे इन्होंने कुछ कहा नहीं है कि आपको प्रकार से ही बनाना है, आप चांदे से भी बना सकते हो। चांदे में हमारा 75 अंश जो होता है वो होता है जैसे कि यहाँ पे है, ये जो है हमारा एंगल वो 75 अंश का है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा बिल्कुल सही बना हुआ है, ठीक है। और हम अब अपने चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 147 माप वाले एक कोण की रचना कीजिए और उसका समद्विभाजक कीजिए। अब इस बार हमें क्या बनाना है, कितने अंश का कोण बनाना है, 147 अंश का, ठीक है। कभी कभी ब्लर हो जाता है तो बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। तो क्या है, हमें 147 अंश की माप बनानी है, वो तो हमें प्रकार से बनानी नहीं है, ठीक है। तो 147 हमारा कहाँ पे होगा, इधर साइड में होगा, ये हमारा 140, ये 45, 46, 47, ये जो माप मिली है हमको, ठीक है, ये जो है वो हमारा क्या है 147 अंश है, ठीक है। मतलब ये जो एंगल है वो हमारा क्या है 147 अंश का है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना उठाएंगे प्रकार, क्या करेंगे, किसी भी चाप से एक चाप लगा देंगे। पर ये अब ये ध्यान रखना, ये जो हमने चाप लिया है ये हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि 90 अंश का कोण बनाएंगे तब नहीं चेंज होना चाहिए, इसमें तो चेंज कर ही सकते हैं, ठीक है। ये हमने लिया, अब हम आधे से, मतलब इतनी दूरी ले लें, आधे से अधिक दूरी, इतनी दूरी हमारी आधे से अधिक दूरी तो हो गई ना। अब हमने यहाँ से पॉइंट रखा अपना, ये चाप लगाया, यहाँ पे अपना पॉइंट रखा और ये चाप लगाया, ठीक है। अब ये जो हमको कट मिला है यही क्या कर रहा है, हमें समद्विभाजक कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 147 अंश का समद्विभाजक हो गया है, ठीक है। अब हम अपना कौन सा क्वेश्चन करेंगे, हम करेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं एक समकोण खींचिए और उसके समद्विभाजक की रचना करिए। तो क्या करना है, समकोण बनाना है। तो चाहे तो आप चांदे से भी बना सकते हो, इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि पटरी प्रकार की सहायता से ही बनाओ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक
रेखा बना ली। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलिए हम इससे ही बनाना सिखाएंगे, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है ना, चांदे से तो बच्चा भी बना लेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक ये चाप लगाया। अब ये चाप जो है वो हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, ये चाप लगाया। ठीक है, अब इसी चाप पे दूसरा चाप लगाया, एक ऊपर चाप लगा दिया। अब ये जो पॉइंट मिला है इससे हमने इस चाप पे चाप लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बना दिया, ये हमारा क्या हुआ, समकोण बन गया है। अब इसका क्या करना है, समद्विभाजक करना है, समद्विभाजित करना है। तो क्या करेंगे, ये जो था इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, और अब हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए ये जो चाप थी। ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया। अब ये जो हमने किया है, अब हमने इसको क्या कर दिया है, समद्विभाजित कर दिया है, इस तरीके से डॉट 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 करके हमने मिला दिया। अब ये है हमारा समद्विभाजक हो गया, किसका, 90 अंश का। अगर आप इसको नापोगे ना तो ये हमारा 45 अंश का निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से 1, 2, 3 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे हो गए, बाकी के क्वेश्चन अपने कल कराएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपके सारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, बस 2-3 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं।